अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ भोजन को ज़्यादा डोमिनेंट कराया है लाइफ में, किसी भी टाइम पानी से ज़्यादा भोजन पर फोकस्ड है, तो इसका मतलब कि वो भोजन के थ्रू ही पानी भी निकाल रहा है, पानी अलग से नहीं पी रहा है, भोजन में जो पानी है उसी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑल द टाइम उसके प्यास भी लगेगी, तो वो भोजन करेगा, भोजन से पानी निकालना शुरू करेगा, इसका मतलब तो यही है ना। अब वो एक्चुअली भोजन के एडिक्ट हो गया है, तो उसको प्यास भी लगेगी तो भोजन करेगा, उसको कोई भी भूख लगी तो भोजन करेगा, उसे कोई प्रेशर भी आएगा तो भोजन करेगा, एन्जाइटी भी आएगा तो भोजन करेगा, कोई वॉक भी कर लेगा, फिजिकल एग्जर्शन भी होगा तो भोजन करेगा, पानी को इम्पोर्टेंस नहीं है, रिलैक्सेशन को इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि जब भोजन की मात्रा मतलब पृथ्वी तत्व तो आपके देह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, आप जब सोएंगे तो आप चिल्लाएंगे, क्योंकि बॉडी हल्के होने की डिमांड करेगी, तो माइंड सबकॉन्शियस माइंड हील नहीं कर पा रहा है बॉडी को, कैसे हील कर पाएगा भाई, आप स्लीप मोड पे जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने पृथ्वी तत्व या सॉलिड भोजन इतना एडिक्ट कर दिया है कि वो सोते समय भी डिमांड कर रहे हैं भोजन की, वो सोते समय भी डिमांड कर रहे हैं, अब वो रेस्ट मोड पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ आप डाल देते हो, भले आप MA LLB किए हो उससे मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आपने ट्रेनिंग क्या दी है, पढ़ाई क्या किया है इससे मतलब नहीं, आपने ट्रेनिंग क्या दिया है अपनी सेंसेस को जो आपने नहीं दिया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे पृथ्वी तत्व की कमी हम करते जाते हैं, फूड एलिमेंट की पृथ्वी तत्व की कमी हम करते जाते हैं, उसे लेस करते जाते हैं, और जो सबटल फॉर्म एनर्जी है वाटर एयर और ईथर आसमान, इन तीनों को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं ताकि बॉडी बहुत जल्दी डिक्रीज न करे, मरे न, ताकि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क न करें, उनकी अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, है ना, और एनर्जी बॉडी को जितनी मिलनी है उतनी मिलती रहेगी थ्रू नॉट सॉलिड फॉर्म ऑफ द फूड, थ्रू वाटर, थ्रू एयर, थ्रू आसमान या ईथर, राइट। तो ये फाइव एलिमेंट का बैलेंसिंग यदि आप रेशियो में देखो या आयुर्वेदिक पद्धति में देखो या अपने किसी भी पद्धति में देखो ना स्पिरिचुअल उसमें, तो एज वाइज इवन कि आफ्टर 50 60 तो कहते नहीं थे कि शाम को भोजन जो स्किप कर दो, शाम को भोजन मत करो जी, या अगर करो तो अपने जर्निज्म में देखो कि 5 बजे के बाद वो करते ही नहीं, तो स्किप भी तो है, 5 बजे के बाद भोजन नहीं कर रहे हैं, और फिर जब सुबह उठेंगे तो वैसे भी 7 8 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, तो आप सोचो कि 5 बजे सुबह तक 12 घंटे और 14 15 घंटे तो वैसे उनकी फास्टिंग हो गई, अब देखो कितने ईजिली इन्होंने ये फास्टिंग कर लिया बिना कोई स्ट्रेस दिए, रात का रात निकल गया इजिली, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई मेहनत भी नहीं, बॉडी भी रेस्ट मोड पे, ऑर्गन भी रेस्ट मोड पे, माइंड भी रेस्ट मोड पे, लेकिन आम आदमी क्या करता है, रात में 11 बजे तक मंचिंग करता है, अब वो गया सब, ऑर्गन आपके सब गए, रात में भी वही भोजन की प्रक्रिया चल रही है, सोते समय भी भोजन का पाचन चल रहा है, शरीर भोजन के पाचन में जुटा हुआ है, अल्टीमेटली आप जो सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड पे डिपेंडेंट थे वो रात में भी हो रहा है, वही काम सॉलिड पे ही काम कर रहा है, बॉडी भी इन्वॉल्व है, ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, माइंड भी इन्वॉल्व है, सेंसेस भी आपके वही सॉलिड फॉर्म पे ही देखने को हैं, आप रोड पे जा रहे हो आप होटल ही देखते जा रहे हो, होटल देख रहे हो लार चू रही है ना, लार निकल रही है, मतलब हर जगह पे आपकी नज़रें उस सॉलिड पे ही हैं और कहीं नहीं, जबकि रास्ते में चल रहे हो आपको स्पेस भी दिख रहा है, एयर का भी फ्लो है, वाटर का भी है, हर चीज़ तो है, बॉडी की मूवमेंट है, लेकिन आपकी नज़र एक ही जगह पर है, सेंट्रलाइज्ड हो गई, तो जितनी भी सॉलिड फॉर्म आपकी बढ़ती जाती है डिपेंडेंसी, उतना ही आपकी मूढ़ता, अगर आध्यात्मिक लैंग्वेज में आध्यात्मिक भाषा में कहो तो उसको मूढ़ता कहते हैं, मूढ़ता आपकी बढ़ती जाती है, लेकिन यदि आप चिकित्सीय
थेरेपेटिक लैंग्वेज में बात करो तो उतना ही डिजीज आपकी बढ़ती जाती है। भाई डायबिटीज है क्या? आप हर समय खाना ही तो खाते रहते हो, आपके ऑर्गन ही तो थक चुके हैं, इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है आप, और है क्या भाई? तो बेसिकली थेरेपेटिक एंगल से आप रोगी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल एंगल से आप मूड हो रहे हैं, मेंटल एंगल से आप साइकोलॉजिकली स्थिर नहीं हैं, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के केस हैं आप, है ना? यही है ना? तो हर एक एंगल से आप रोगी हैं।